नमस्कार दोस्तों, आओ सीखे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम दो रंग का एक बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन बनाएंगे, जिसे बनाने के लिए हमें इवन नंबर में कितने भी फंदे चाहिए, यानी जो दो से करते हो ऐसी संख्या में कितने भी फंदे। डिज़ाइन बनाने से पहले आपसे अनुरोध है कि यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें। यहाँ पे आपको प्रतिदिन एक नया डिज़ाइन देखने को मिलेगा, और यदि आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ढेर सारे डिज़ाइन देखने के लिए आप मेरे पुराने वीडियोज देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम डिज़ाइन बनाते हैं। तो बॉर्डर बनाने के बाद आप इसी रंग के ऊन से सभी फंदे सीधे बना लेंगे। सभी फंदे हम सीधे बना लेंगे। और रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे। तो ये डिज़ाइन का बेस तैयार हो गया है। ये हमारे डिज़ाइन का हिस्सा नहीं है, इसे हमें फिर दोहराना नहीं है। बस प्राइमरी कलर के ऊन से दो लाइन हम सीधा दो लाइन प्लेन बना लेंगे, यानी आगे से सीधा और पीछे से उल्टा। अब तीसरी लाइन से हमारा डिज़ाइन शुरू होगा। तीसरी लाइन में हम अपना सेकेंडरी कलर अटैच करेंगे और दो फंदा सीधा बुनाएंगे, एक और दो। और उसके बाद देखिए, ये तीसरे फंदे के पहले ये जो दो धागे हैं, ये पहला और दूसरा, तो इसके नीचे ऐसे सिलाई डालेंगे, एक लूप निकाल लेंगे। अब इसको यूं ही छोड़ देंगे और अगले दो फंदे हम सीधे बनाएंगे। फिर दो फंदे लाइन के नीचे ऐसे सिलाई डालेंगे, एक लूप बनाएंगे और अगले दो फंदे सीधे। नेक्स्ट देखिए, ये दो लाइन के नीचे एक ये धागा हुआ और ये दूसरा धागा, दो धागे के नीचे ऐसे सिलाई डालेंगे, एक लूप निकालेंगे, फिर दो फंदे सीधे बनाएंगे। इसी तरह करते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। तो ये हमारे डिज़ाइन का पहला लाइन कंप्लीट हो गया है। अब डिज़ाइन का दूसरा लाइन और रॉन्ग साइड। तो दो फंदे, पहला फंदा स्लिप कर लेंगे, अगले फंदे को उल्टा बुन लेंगे। अब ये हमारे लूप का फंदा आ गया, ये लूप आ गई, तो इसे हम स्लिप कर लेंगे और अगले दो फंदे उल्टे। नेक्स्ट ये लूप है, इसे स्लिप कर लेंगे, अगले दो फंदे उल्टे। लूप को स्लिप कर लेंगे, अगले दो फंदे उल्टे। इसी तरह करते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। थर्ड रो और फ्रंट साइड, पहला फंदा स्लिप कर लेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, पहले हम लूप में, देखिए ये लूप है, लूप में पहले सिलाई डालेंगे, उसके बाद फंदे में सिलाई डालेंगे। अब ये देखिए, दोनों फंदे हमारे दाहिने सिलाई पे आ गए। अब फंदे को उठाएंगे और इसे सीधा बुन लेंगे और नेक्स्ट फंदे को भी सीधा बुन लेंगे। अब देखिए, लूप के बाद दो फंदे आ गए हैं। लूप को उठाएंगे और इन दोनों फंदों को लूप के अंदर से ऐसे निकाल लेंगे। लूप को इन दोनों फंदों के ऊपर से ऐसे चढ़ाते हुए दूसरी तरफ गिरा देंगे। फिर से देखिए, ये पहले हम लूप में सिलाई डालेंगे, फिर फंदे में सिलाई डालेंगे। अब दोनों हमारे दाहिने हाथ की सिलाई में आ गए हैं। अब पहले फंदे को हम सीधा बुन लेंगे, उसके बाद दूसरे फंदे को भी सीधा बुन लेंगे। अब लूप को उठाएंगे और इन दोनों फंदों को के ऊपर से ले जाते हुए दूसरी तरफ ऐसे गिरा देंगे। फिर से देखिए, ये लूप है और ये फंदा है, तो पहले लूप में सिलाई डालेंगे, फिर फंदे में सिलाई डालेंगे। अब इसको दाहिने हाथ की सिलाई में कर लेंगे। अब लूप को छोड़ देंगे, पहले फंदे को सीधा बुन लेंगे, उसके बाद दूसरे फंदे को भी सीधा बुन लेंगे। लूप को उठाएंगे और इन दोनों फंदों के ऊपर से ले जाते हुए दूसरी तरफ ऐसे गिरा देंगे। ऐसे ही हम पूरी लाइन में करेंगे।
और लास्ट फंदा एज स्टिच है, इसे सीधा बुन लेंगे और रॉन्ग साइड से ये हमारा चौथा लाइन है, तो चौथे लाइन में सभी फंदों को उल्टा बुन लेंगे। चार लाइन कंप्लीट होने के बाद अब फिर ये पांचवें लाइन में हम अपने प्राइमरी कलर के ऊन से पहला फंदा सीधा बुनेंगे, अगले फंदे को भी सीधा बुन लेंगे। तो हमने प्राइमरी कलर के ऊन से दो फंदे सीधे बुन दिए। अब देखिए ये दो धागे, ये हम दो लाइन नीचे आएंगे और एक लूप निकालेंगे, फिर अगले दो फंदे सीधे, दो फंदे के दो लाइन नीचे आके एक लूप निकालेंगे और अगले दो फंदे सीधे बनाएंगे। यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो हमने ये लूप निकाला था वहीं से हमें फिर से लूप निकाला है। ये देखिए यहाँ पे हमने लूप निकाला था, तो इसी के ऊपर हमें लूप निकालना है। ये एक हुआ और ये दो धागा, ये देखिए हमारे ये दो धागे हो गए। तो इनके नीचे से सिलाई डाल के ऐसे एक लूप निकाल लेंगे, फिर दो फंदा सीधा बुनेंगे। अब यहाँ देखिए यहाँ पे हमने लूप निकाला था, तो फिर यहीं पे देखिए दो लाइन नीचे ऐसे सिलाई डालेंगे, एक लूप निकालेंगे, फिर अगले दो फंदे सीधे। फिर देखिए यहाँ हमने लूप निकाला था, तो फिर इसी के ऊपर ऐसे दो लाइन नीचे आएंगे, एक लूप निकालेंगे और फिर दो फंदे सीधे। इसी तरह करते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे और रॉन्ग साइड से दो फंदे उल्टे और लूप को स्लिप कर लेंगे, फिर दो फंदे उल्टे, लूप को स्लिप करेंगे, दो फंदे उल्टे और लूप को स्लिप करेंगे। इसी तरह बुनते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। अब ये प्राइमरी कलर का थर्ड लाइन है, तो पहला फंदा स्लिप कर लेंगे। अब पहले लूप में सिलाई डालेंगे, फिर फंदे में सिलाई डालेंगे और लूप को पीछे की तरफ कर लेंगे, पहले फंदे को सीधा बुनेंगे, फिर नेक्स्ट फंदे को भी सीधा बुनेंगे। अब लूप को उठाएंगे और इन दोनों फंदों के ऊपर से ले जाते हुए दूसरी तरफ ऐसे कर देंगे। फिर देखिए पहले लूप में सिलाई डालेंगे, फिर फंदे में सिलाई डालेंगे। अब लूप पीछे आ गया, तो पहले फंदे को सीधा बुन लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट फंदे को भी सीधा बुन लेंगे। तो लूप के बाद देखिए दो फंदे सीधे बुने जा चुके हैं। अब लूप को उठाएंगे और इन दोनों फंदों के ऊपर से ले जाते हुए दूसरी तरफ छोड़ देंगे। तो इसी तरह करते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। लास्ट फंदा एज स्टिच है, उसे सीधा और रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे। तो देखिए फ्रेंड्स, चार लाइन का ही ये रिपीटेड डिजाइन है। एक रंग के ऊन से चार लाइन बनाने के बाद अगला चार लाइन दूसरे रंग के ऊन से बनाया जा रहा है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है, तो देख डिजाइन सामने से ऐसे दिख रहा है और रॉन्ग साइड से ऐसा। चार लाइन का ये रिपीटेड डिजाइन है और डिजाइन देखिए कितना खूबसूरत है। तो फ्रेंड्स, आप इसे अपने स्वेटर में बनाइए, इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, डिजाइन को अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में शेयर कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।